किसको पड़ता है, किसको पड़ता है। नो इफ नो बट, जिनके सामने बड़े बड़ों की जाती है फट। प्लीज वेलकम द वन द ओनली मिस्टर गोपाल दत्त। दादा चल झूठा एक्ट। वाह, चलिए। जब आपको इस शो के लिए कॉल आई तो कहाँ थे आप? पेरिस में था मैं। नहीं, पैर इसमें रहे ठीक है, पर अब कहाँ थे? आप एकदम सही समझ गए, मैं कहीं पैर डाल के बैठा हुआ पेरिस में था। पेरिस में और हाथ इसमें था। हाथ इसमें था। तो क्या रिएक्शन था आपका? मैं थोड़ा डर गया। क्यों? मैंने कहा कहीं अब इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए। कौन से फोन है सर, केस तो बनता है से बोल रहे हैं। नहीं, और पैसे आएंगे तो और इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए। तो आपके लिए स्ट्रगल रहा होगा? मतलब स्ट्रगल बहुत, रहा? बहुत स्ट्रगल रहा, क्योंकि आज तक मैं मुजरिम की तरह ही गया हूँ थाने। तो पहली बार मुझे गवाह के लिए बोला गया था। ये इज्जत मेरे से मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा। आदत नहीं है ये, क्या बात होती थी। तो जब आपके मन में ये सब तैयारी चल रही थी, उथल पुथल चल रहा था, जब आपके अंदर संघर्ष चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था, तब आपको आपके दिल का शोर ने क्या कहा? दिल के शोर ने कहा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि आप बात करो। किससे? घर वालों से। तो घर वालों ने क्या कहा? घर वालों ने हमसे फालतू बात मत करो। तो जब घर वाले नहीं सुन रहे थे इसलिए आप अपनी यहाँ सुनाने आए हैं? जी, मैंने कहा कहीं तो मैं सुनाऊं, और मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं रोज सुना रहा हूँ। तो जाते जाते आप, मतलब वहाँ नहीं घर, जाते जाते आप हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जब दिल में हो परेशानी और कोई ना हो दवाई, तो कोर्ट में आओ और दे दो गवाही। ये थे गोपाल दत्त जी, ये हैं गोपाल दत्त जी, ये रहेंगे गोपाल दत्त जी। और आप भी बने रहिए और देखते रहिए केस तो बनता है, सिर्फ अमेज़न मिनी टीवी पे, बिल्कुल फ्री। केस तो बनता है, केस तो बनता है।